और बताओ यार, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी फिलोसफी की बुक पढ़ रहा था और उसने पढ़ते पढ़ते सोचा कि ये ट्री ने कितनी लाइफ देखी है, कितनी मेच्योरिटी देखी है। अगर ये ट्री मुझे बताए कि इसने क्या क्या देखा है तो कितना मजा आएगा। चांस की बात है ट्री बोल पड़ा। ट्री ने इतना ही सुनने का मन है तो चल तेरे को स्टोरी बताता हूँ, अपनी लाइफ के कुछ लेसन देता हूँ। तो उस आदमी ने कहा क्या लेसन है, उसका पहले अपनी बुक उठा और फेंक और ये तीन लेसन समझ लाइफ में। उसने कहा हाँ मुझे बताओ तीन लेसन। तो इस आदमी को ट्री ने बताया कि जब हम बहुत बड़े होते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं, हम बिल्कुल शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो लोग हमारे नीचे आके बैठते हैं। लेकिन जब हम आंधी तूफान में गिर जाते हैं तो जो इतना सा हिस्सा बचा होता है ना, आपका जुड़ा होता है ट्रंक के साथ में बाकी पेड़ का, उसी को आकर वही लोग काटते हैं जो आपके नीचे रोज बैठे होते हैं। उसे कहा ये लाइफ का लेसन है कि कभी जिंदगी में गिरना मत, क्योंकि जब तक तुम खड़े हो तब तक तो सब तुम्हारी शेड का मजा लेंगे, जैसे ही तुम गिरोगे तो तुम्हारे नीचे वाले ही तुम्हें काटने आएंगे। द मैन गॉट शॉक ऑफ हिज लाइफ। उसने कहा और दूसरा लेसन क्या है। उसने कहा दूसरा लेसन है कि जो तुम एक्स से हमें काटते हो, जिस एक्स से हमें काटते हो वो भी हमसे ही बना होता है। सो द एनिमी दैट किल्स यू इज एक्चुअली नेवर आउटसाइड, इट इज ऑलवेज इनसाइड। जो आदमी आपको जेन्युइनली लाइफ में काट पाता है वो आपके अंदर का ही होता है। सो मेक श्योर आप अपने सीक्रेट्स, अपनी चीजें ऐसे ही लोगों को बताओ जो आपकी जिंदगी में एक्स का काम ना करें। सो मेक श्योर यू शेयर वेरी वाइजली, क्योंकि जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो बाहर का नहीं होगा, वो अंदर का ही होगा। उसने कहा वेरी नाइस, एक और चीज बताओ। उसने कहा जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं ना, उसी पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर गिरते हैं। तो जो आदमी जिंदगी में क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, जो आदमी दूसरे का लालच नहीं ले सकता, जो आदमी दूसरे के पत्थर नहीं ले सकता, दैट मीन्स वो आदमी कभी ग्रो ही नहीं किया। सो व्हेनेवर यू गेट क्रिटिसिज्म, जेलसी इन लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हारे पास फल है तभी तो लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर फल ही नहीं है तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। सी सेज हैप्पीली टेक क्रिटिसिज्म इन लाइफ बिकॉज दैट इज व्हाई यू आर अ फ्रूट बेयरिंग ट्री। यू गॉट इट? बिल्कुल।